भाई नेक्स्ट हम देखोगे फाइंड पॉइंट ऑन करो। सो करो गिवन है कुछ इस तरह, विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्व करेंगे कि करो के ऊपर आप टेंजेंट के पॉइंट फाइंड करने हैं, वो वाले जिहड़े कि है पैरेलल टू एक्स एक्स होन। सो फस्ट सम आप गल की सी कि जो क्वेश्चन कि स्लोप अपनी पैरल टू एक्स एक्स होन इजिकल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो। ओके सो इस प्रोसैस में आप सामने सॉल्व करा। देखो तो गिवन करव की है आंसर फस्ट पार्ट। सो करव एक्स स्केयर बाय फोर प्लस वाई स्केयर बाय 25 इजिकल टू वन, दैन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स बोथ साइड, टू एक्स बाय फोर प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू जीरो। दैन डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। देखो डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू माइनस टू एक्स बाय फोर मल्टीप्लाई 25 बाय 2y। ओके सो टू ना टू कैंसल, देन आंसर इज माइनस 25x बाय 4y। देन स्लोप अपनी की है पैरल टू x एक्सिस के मीन्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। डेरीवेटिव इक्वल टू जीरो मीन्स देखो स्लोप ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्स। ओके सो देखो क्वेश्चन माइनस 25 एक्स बाय 4 वाई इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके सो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट इन वाई, सॉरी पुट इन करव। सो फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ते जीरो प्लस वाई स्केयर बाय 25 इज इक्वल टू वन, दैन वाई स्केयर इज इक्वल टू 25, दैन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओके सो पॉइंट अपने की बन गए, पॉइंट इज इक्वल टू जीरो फाइव एंड जीरो माइनस फाइव इज आंसर। सो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट की अपने पैरल टू एक्स एक्सिस। सो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो आप सेकंड पार्ट अपनों क्वेश्चन पुट किया कि पैरल टू y एक्सिस। ओके सो ये स्लोप ऑफ लाइन, एक स्लोप ऑफ लाइन पैरल टू y एक्सिस होवे, देन डेरिवेटिव की अपना इजिकल टू इनफिनिटी। ओके बट जेकर आप डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो इनफिनिटी पुट करांगे, डेरीवेटिव इक्वल टू इनफिनिटी पुट करांगे, सो अपना सम की सॉल्व नहीं होना। सो इस नूं आपां करने रेसीप्रोकल बोथ साइड, मीन डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वन बाय इनफिनिटी। सो वन बाय इनफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके मीन आप डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फोर वाई बाय 25 माइनस फोर वाई बाय 25 इज इक्वल टू जीरो। ओके सो इस स्टेटमेंट विचों आप वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई इज इक्वल टू जीरो, दैन वाई इज इक्वल टू जीरो पुट इन करव। ठीक है सो देखो एक्स स्केयर बाय फोर प्लस जीरो इजिकल टू वन, दैन एक्स स्केयर
by 4 is equal to 1 mean x square is equal to 4, it means x is equal to plus minus 2. Okay, then so point apne ki ban gaye x plus 2 y 0, then x minus 2 y is also 0. It is answer of this question. Okay, देखो जेकर यह सम अपन एज ए एम सी क्यू सॉल्व करने लिए आता है 4-1 marks. ओके सो उसमें इस लेंथी वे ना सॉल्व करनी बजाए एक सिंपल तरीके सॉल्व करो जी कि पैरल टू एक्स एक्स तो उदो तुसी की करना है कि जो कर्व गिवन है कर्व जो गिवन हो कर्व दे विच कंडीशन की है पैरल टू एक्स एक्स दैन एक्स में जीरो पुट कर दो ते वाई दी वैल्यू फाइंड कर लो. ओके तो जेकर सानू पैरल टू वाई एक्स गिवन है दैन वाई नू जीरो पुट करो पुट वाई जीरो एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स. जेकर यही सम तुहानू 1 marks लई सॉल्व करन लई आउंदा है इसनू इस लेंथी वे नाल सॉल्व करनी बजाए ए सिंपल वे ना सॉल्व कर लो. ओके हाँ जी क्लास प्लस टू है तो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल तो थर्ड लैक्चर है. सो देखो सम अपना की है कि फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व. सो कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो कर्व के उपर आप पॉइंट फाइंड करने हैं विच इज पैरल टू एक्स एक्स. ओके सो कर्व के उपर पॉइंट फाइंड करने हैं कि जोड़े पॉइंट की अपने पैरल टू एक्स एक्स हो. ओके सो लैक्चर स्टार्टिंग आप कंसैप्ट स्टडी किया देखो कि स्लोप ऑफ लाइन मीनस की है टेंजेंट पैरल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन स्लोप ऑफ लाइन लाइन की स्लोप जो पैरल टू एक्स एक्स हो मीन तो इक्वल टू आप जीरो रखा कि मीन डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो. ओके स्लोप ऑफ लाइन पैरल टू वाई एक्स जी उही स्लोप ऑफ लाइन पैरल टू वाई एक्स हो भी दैन की डेरीवेटिव इज इक्वल टू इनफिनिटी. ठीक है सो ये दो रिजल्ट है. सो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो जो आप स्टेटमेंट में पूछा गया कि पैरल टू एक्स एक्स पैरल टू एक्स एक्स मीनस आप डेरीवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करेंगे सो अपन पॉइंट की मिल जाएंगे. तो देखो क्वेश्चन है कि गिवन कर्व इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड. तो देखो डेरीवेटिव करेंगे दो बोथ साइड टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डेरीवेटिव माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दैन इस पूरी टर्म के आप डेरीवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स बाय टू वाई. ओके बट हम आप डेरीवेटिव पॉइंट फाइंड करने हैं विच इज पैरल टू एक्स एक्स मीनस कि पैरल टू एक्स एक्स कि डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो. ओके सो ये फॉर्मूला ही है जेकर कंडीशन अपनी पैरल टू एक्स एक्स हो डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो दैन देखो डेरीवेटिव आप जीरो पुट करा फ्रॉम फस्ट टू माइनस टू एक्स बाय टू वाई इज इक्वल टू जीरो दैन टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो दैन एक्स इज इक्वल टू वन. ओके सो आप डेरीवेटिव जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं
सो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वाई। सो इस पॉइंट नूं आपां गिवन कर्व इस नूं वाई स्टार मैनशन कर लो, कर्व विच पुट करांगे, सो वाई की वैल्यू फाइंड करांगे। तो देखो फ्रॉम स्टार एक्स इक्वल टू पुट इन वन द स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करांगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर मीन वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो पॉइंट फाइंड हो चुकी है कि देखो पॉइंट कहड़े कहड़े अपने कि जो एक्स की वैल्यू वन है सो वाई की वैल्यू टू आई है, वाई की वैल्यू टू आई है प्लस और माइनस मीन एक्स वन वाई टू एंड एक्स वन वाई माइनस टू। सो इट इज पॉइंट विच इज पैरल टू एक्स एक्सिस, सो इट इज आंसर। हाँ नेक्स्ट हम देखो कि फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अलेवन एक्स प्लस फाइव विच इज टेंजेंट इज पैरल टू लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अलेवन। ओके सो आप पॉइंट फाइंड करने करो दे ओ कर्व जिहड़ी कि लाइन दी की है, वो कर्व दी सॉरी कर्व दी टेंजेंट की है लाइन दे पैरलर है। सो एक आप स्टार्टिंग विच जो फस्ट लैक्चर सी टॉपिक का उहदे विच कंसैप्ट कीता सी कि कर्व एंड लाइन एंड लाइनस लाइन पैरलर देन उन्हां दोनों स्लोप की अपनी इक्वल होगी। ओके सो दोबारा रिपीट करते हैं, जे कर्व ते लाइन दोनों पैरलर है तो उन्हां दोनों की जो स्लोप है वो दोनों की है इक्वल होनी। ओके सो कंडीशन अपन पैरलर गिवन है, जे पैरलर गिवन है तो इन दोनों स्लोप की अपनी इक्वल होगी। सो इन दोनों स्लोप में इक्वल रख के आप पॉइंट फाइंड करांगे। तो देखो कि कर्व इज इक्वल टू कर्व सो आंसर स्टार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अलेवन एक्स प्लस फाइव मीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन मीन्स एम वन। ओके सो लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अलेवन मीन डेरीवेटिव इज इक्वल टू वन, सो ए अपना एम टू। सो गिवन कंडीशन इज पैरलर मीन्स एम वन इज इक्वल टू एम टू, सो देयरफॉर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन इज इक्वल टू वन देन थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। ओके सो एक्स की वैल्यू आप करो दे विच पुट करांगे, एक्स की वैल्यू आप करो दे विच पुट करांगे। सो देखो बट एक्स की वैल्यू अपना टू है, मैं टू टाइप की वैल्यू है कि प्लस और माइनस। सो फस्ट आप एक्स इज इक्वल टू पुट इन फस्ट कंडीशन। ओके देखो वाई इज इक्वल टू क्यूब ऑफ टू माइनस अलेवन इंटू टू प्लस फाइव मीन्स एट माइनस ट्वेंटी टू प्लस फाइव सो देन इज इक्वल टू माइनस नाइन। ओके देन अगेन आप एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करांगे, पुट इन फस्ट देन वाई इज इक्वल टू माइनस टू की पावर थ्री माइनस अलेवन इंटू माइनस टू प्लस फाइव माइनस एट प्लस ट्वेंटी टू प्लस फाइव। सॉल्व करांगे आप इसनों माइनस एट प्लस ट्वेंटी सैवन इज इक्वल टू नाइनटीन। सो अपने पॉइंट के आंसर की है पॉइंटा का
कि जो आप एक्स की वैल्यू टू पुट की है सो अपना आंसर है माइनस नाइन, एंड अगेन जो एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट की है सो अपना आंसर है 19, इट इज आंसर। अभी नेक्स्ट हम देखो कि फाइंड द पॉइंट ऑन करो वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 16/3 कि मीनस आप करो दे पॉइंट फाइंड करने हैं बट करो दी कंडीशन गिवन अपन के टेंजेंट इज इक्वल टू 16/3 कि मीनस जो करव डेरीवेटिव है करव का टेंजेंट मैंने कहता डेरीवेटिव सो जो करव का डेरीवेटिव आ इज इक्वल टू 16/3 है मीन डेरीवेटिव आप इज इक्वल टू 16/3 रखा तो अपन पॉइंट की फाइंड हो जाएंगे। सो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दी आंसर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स क्यूब ओके सो डेरीवेटिव इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर देन 3/4 सॉरी 1/2 है 2/4 इंटू इंटू एक्स ओके सो सॉल्व करेंगे अपना इसमें एक्स बाय टू सो डेरीवेटिव इक्वल टू रखेंगे अपना 16/3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सो इट मीन देखो एक्स बाय टू इज इक्वल टू 16/3 मीन एक्स इज इक्वल टू 32/3 सो इस वैल्यू अपना करो दे पुट करा सो एक्स इज इक्वल टू 32/3 पुट इन करो सो वाई इज इक्वल टू 1/4 मल्टीपाई 32/3 का स्केयर दैन सॉल्व करो इस 1/4 मल्टीपाई 32/3 मल्टीपाई 32/3 48 या 32 दैन 256/9 दैन पॉइंट देखो पॉइंट इज इक्वल टू 32/3 एंड 256/9 इज आंसर ओके। हाँ नेक्स्ट हम देखो कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड पार्ट है वाई कोऑर्डिनेट सो सिंपल सम जो पहला सम ट्राई किया सी बिल्कुल उस तरह ही करना देखो इस तरह ही कि बट कंडीशन की सी अपनी कि जो सम सी ना इस विच अपन की स्लोप गिवन सी 16/3 बट इस विच स्लोप की अपनी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मीनस आप जो डेरीवेटिव करना कर्व का वह इक्वल टू रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड सैकेंड पार्ट च रखेंगे इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट तो देखो सामू स्टार्ट करते हैं देखो कि कर्व इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 देन डेरीवेटिव करेंगे डेरीवेटिव इज इक्वल टू 2x सो देखो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन डेरीवेटिव सो डेरीवेटिव इक्व रखना फर्स्ट पार्ट लई अपना इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट मीन एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डेरीवेटिव इक्वल टू एक्स ओके देन देखो 2x इज इक्वल टू एक्स देन 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट इन फर्स्ट सो वाई इज इक्वल टू स्केयर ऑफ 0 प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 देन पॉइंट इज इक्वल टू 0 1 ओके सो सैकेंड पार्ट विच की है कि इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट मीन डेरीवेटिव इज इक्वल टू वाई मीन 2x इज इक्वल टू वाई सो इस स्टेप में गौर न समझो कि 2x इज इक्वल टू वाई बट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम फर्स्ट ओके सो
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये आप एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वन। सो एक्स की अपनी टू वैल्यू आ चुकी हैं वन एंड वन। सो फस्ट आप एक्स इज इक्वल टू वन पुट इन फस्ट, दैन वाई इज इक्वल टू स्केयर ऑफ वन प्लस वन मीनस वाई इज इक्वल टू टू। दैन अगेन आप जेकर एक्स की वैल्यू वन पुट करांगे फस्ट कंडीशन दे विच तां वाई की वैल्यू टू आऊगी फिर। सो अपने पॉइंट की होणगे वन एंड टू, अगेन वन एंड टू, इट इज आंसर। ओके okay.